शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बस अब ये तय हो गया कि लड़की के मामा अपनी भांजी की शादी की खुशी में लड़के को मंगनी की तौर पर 11,11,111 रुपए और 11 पैसे देंगे। फिर मेरा रुपया तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारी लक्ष्मी मेरी हो जाएगी। बस लड़की की माँ को बुलाओ और 111 रुपया देकर लड़के का मुंह मीठा करो। सोनू, राजवंती, सोनचंदी, सोनचंदी, तुम यहाँ? हाँ, मैं अपने बेटे की शादी लक्ष्मी से तय कर रहा हूँ। हाय राम, क्या हुआ? हाँ? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अब तो सब कुछ तय हो गया, तो मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन बापू क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये तुम्हारी बहन है। मतलब बापू। नमस्ते राजा साहब। क्यों आई हो यहाँ? अपनी बेटी की शादी का न्योता देने आई हूँ। न्योता देने आई हो यहाँ? हमसे रिश्ता जोड़ने, अपनी कुटिया से इस महल तक का सफर तय करने का कितना आसान रास्ता ढूंढा है तुमने। हाँ, अपनी औकात ही भूल गई? गरीब के पास औकात नहीं, सिर्फ जज्बात होते हैं। इन्हीं जज्बातों के ढोंग में तुम लोगों ने हमारी नादान भतीजी को फांसने की अच्छी चाल चली है। हमें अंदाजा नहीं था कि गरीब लोग इतने चालाक होते हैं। ये न्योता नहीं, तुम्हारी साजिश है और हमारे पास इसका जवाब ये है। इस महल के पत्थरों ने अभी न्योतों की इज्जत करनी नहीं सीखी। आपको ऐसे लोगों के पास न्योता देने आना ही नहीं चाहिए जिन्हें अपने समधन से बात करने की तमीज न हो। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ माँ जी। नहीं नहीं बेटी नहीं, दरअसल ये अपनी हार का गुस्सा इस कागज पर उतार कर अपनी बहादुरी का सबूत देना चाहते हैं। मगर अफसोस, एक कागज के तो टुकड़े किए जा सकते हैं लेकिन मेरी मोहब्बत के नहीं। थैंक यू राजा साहब। अगर ये थप्पड़ एक रहम दिल बाप की तरफ से अपनी गुमराह बेटी को सबक होता तो मैं खुशी से कबूल कर लेती, लेकिन ये तमाचा अपनी ताकत में अंधे एक मगरूर तानाशाह का मेरी मोहब्बत को चुनौती है और मुझे ये चुनौती मंजूर है। माँ जी, आप घर जाइए और अंजलि से कहिएगा कि उसकी होने वाली भाभी ना सिर्फ आएगी बल्कि नाचेगी गाएगी, और अगर कोई रोक सके तो रोक ले। जीते रहो बेटे। ओम गजानन भूतगुणादि सेवितं कपित्थजम्बो बलचारु भक्षणम् उमासुतम् शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्धिकरण सेवा गौरी पुत्र विनायक। ओम सर्व मंगल मांगल्ये श्री स्वास्ताधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गणानन्द। छोटे राजा, ये आप सब कहाँ जा रहे हैं? आग लगा दूंगा मैं, उस कमबख्त का नाम और निशान मिटा दूंगा। भाई लेकिन ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, आपकी भतीजी ने पहले ही सब कर दिया है। उस अजय के गले में फांसी का फंदा डालकर। क्या मतलब?
ये क्या हो रहा है? आप लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? ये क्या हो क्या रहा है? ओए बुड्ढे, तुझे दिखता नहीं है क्या? तेरे इस घर की तलाशी ली जा रही है। तलाशी? लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब? वो इसलिए कि हमें खबर मिली है कि तेरे बेटे के ससुराल से जो सामान आया ना, उसमें चोरी का माल है। चोरी? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे संदीप बहुत शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। ओए शराफत तो गई तेल लेने, रही बात इज्जत की तो इज्जत उतारने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इंस्पेक्टर साहब, सारी बिरादरी के सामने हम लोगों की नाक कट जाएगी। तो है, अब वो सब लोग यहाँ आए हुए हैं। अविनाश और बहू उसके भाई के साथ मंदिर गए हैं, उन्हें आ जाने दीजिए, बस वो आते ही होंगे। ओए तू हमारे काम में रुकावट तो नहीं डाल रहा है? क्यों, सरकारी काम में रुकावट डालने के जोर में सलाखों के पीछे अटका दूंगा मैं तुझको भी और तेरी लुगाई को भी, समझा? बाबूजी, पुलिस यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? बेटे, पुलिस वालों का कहना है कि बहू के घर से जो सामान आया उसमें चोरी का माल शामिल है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ गलतफहमी हुई है, आप ये तलाशी रोक दीजिए। ओए, तू कौन है? अजय। ओ अजय, कितना मासूम लग रहा है, डड्डू बनके लड्डू खा रहा है। इस इलाके में ऐसा कोई चोर नहीं जो टिप्पण सिंह के डंडे तले ना आया हो। साले तू कैसे बच गया रे? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत खबर मिली है, आप तलाशी रोक दीजिए, यहाँ कोई चोरी का माल नहीं है। ये मेरी बहन का ससुराल है, हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, मैं आपके साथ थाने चलता हूँ। ओए, तू नौटंकी बंद कर, जाकर उधर खड़ा हो जा, चल उधर। रहने दे बेटे, बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी दीजिए। अरे वही तो कर रहा हूँ, ये काम करने दे तब ना, चल उधर। ओए, कुछ मिलेगा कि नहीं? साहब, अंदर पड़े सामान कुछ नहीं मिला। ले ली तलाशी, हो गई तसल्ली। बापूजी, हम लोग कोई चोर नहीं है बाबूजी। कोई भी भाई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अपनी बहन के दामन पर बदनामी का धब्बा नहीं लगाएगा बाबूजी। हाँ बेटे। और अब इससे पहले कि हम आप पर मानहानि का दावा करें, चले जाइए यहाँ से। ये गहने तुझे किसने दिए? मेरे भैया ने। तो फिर ये हार भी तुझे तेरे भाई ने ही दिया होगा? जी नहीं, ये हार तो मुझे रमा दीदी ने तोहफे में दिया है। रमा दीदी ने तोहफे में दिया है? कमाल कर दिया छोकरी, ये 5 लाख का हार रमा दीदी ने तुझे तोहफे में दिया है। देखा तुम लोगों ने, फट गए तुम्हारे दिते। अरे होश की दवा करो, सोचो, ये हार जो राजा ब्रजराज सिंह ने अपनी भतीजी को दिया था, वो हार इस उठाई गरे की बहन को क्या राजा साहब की भतीजी अच्छा ही दे देगी? ओए देख ली शरीफों की शराफत, हा? ये हार दरअसल चोरी का है कि नहीं? ये सब झूठ है, ये सब झूठ नहीं सच है। मेरा यकीन कीजिए बाबूजी, ये हार मुझे रमा दीदी ने ही दिया है। अच्छा, ये हार तुझे तेरी रमा दीदी ने दिया है, देखे भूल गई होगी, तभी तो तेरी रमा दीदी थाने में जाकर चोरी की रिपोर्ट लिखवा कर आई है, और रिपोर्ट में चोर का नाम भी लिखवाया है, तो पढ़ लो। अजय, ये झूठ है, मेरे भाई ने कोई चोरी नहीं की, उसे तो इस हार का पता तक नहीं। हम पर विश्वास कीजिए बाबूजी, मेरा भाई। ओए बहन के टके, अपनी बहन को गहनों से लादने का इतना ही शौक था तो चोरी करने की क्या जरूरत है, उसे किसी कोठे पर बिठा देता। गिरफ्तार कर लो इसे। रुक जाओ भैया।
गद्दार पुलिस अफसर पर हाथ उठाने का अंजाम जानता है तू? मैं तेरे भविष्य का नक्शा बदल दूंगा। चल। ओए ऑटो है। और बिठा अंदर इस चोर को। अविनाश के बापू, इस मनुष्य को मैं अपने घर में कतई नहीं रहने दूंगी।